तो आ गए हैं हम कुछ और वैकेंसीज के साथ अनेक प्रकार के पदों पर काफी सारी वैकेंसीज निकली है इस वीडियो में आपको सभी प्रकार की डिटेल दी जाएगी कैसे आपको अप्लाई करना है कौन सी पोस्ट निकली है कितनी वैकेंसीज निकली है कहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अलग अलग पोस्ट निकली है जैसे कि फार्म मैनेजर की प्रोग्राम असिस्टेंट की या फिर इसे कंप्यूटर असिस्टेंट भी कहा जा सकता है उसके बाद है प्रोग्राम असिस्टेंट की या फिर लैब टेक्नीशियन या फिर लैब असिस्टेंट की भी कह सकते हैं उसके बाद है सिर्फ असिस्टेंट की उसके बाद है स्टेनो ग्रेड थ्री और फिर है ड्राइवर की सैलरी आप देख सकते हैं काफी अच्छी है मैट्रिक्स लेवल छः से मैट्रिक्स लेवल वन तक है और अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवीजन किया गया है तो फार्म मैनेजर की टोटल सात है प्रोग्राम असिस्टेंट की सात इस तरह से कुल बासठ वैकेंसीज है जिसमें से जनरल की सत्ताईस ईडब्ल्यू की पांच ओ ओबीसी की अट्ठारह और एस सी की बारह वैकेंसीज हैं तो चलिए इन जो वैकेंसीज हैं इनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं पहली पोस्ट है फार्म मैनेजर की इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और एनी अदर ब्रांच ऑफ साइंस या फिर सोशल साइंस रिलेवेंट टू एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट उसके बाद है कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट बैचलर डिग्री मांगी गई है कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसके बाद है लैब टेक्नीशियन की इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है एग्रीकल्चर में उसके बाद है असिस्टेंट बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगी चाहे आर्ट्स में हो साइंस में हो कॉमर्स में हो किसी में भी हो सभी चलेंगी उसके बाद है स्टेनोग्राफर की बारहवीं पास मांगा गया है और कैंडिडेट्स विल बी गिवन वन डिक्टेशन टेस्ट इन इंग्लिश और हिंदी 80 वर्ड्स पर मिनट इन 10 मिनट्स तो 80 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर में आपको पूरे करने होंगे उसके बाद है कैंडिडेट्स हु टू टेक द टेस्ट इन इंग्लिश विल बी टू ट्रांसक्राइब द मैटर इन 50 मिनट्स ऑन कंप्यूटर एंड द कैंडिडेट हु टू टेक टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर टू ट्रांसक्राइब द मैटर इन पैसठ मिनट्स ऑन कंप्यूटर उसके बाद है ड्राइवर की इसके लिए मेट्रिकुलेशन यानी कि दसवीं पास मांगा गया है वैलिड लाइसेंस होना चाहिए

ओपन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट तो कहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है यानी कि पर जाकर आपको अप्लाई करना है वहां पर आपको रिक्रूटमेंट का लिंक मिल जाएगा वहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है फीस कितनी है हजार रुपए है जनरल कैटेगरी के, के लिए एस सी एस टी और पीडब्ल्यू डी के लिए है पांच सौ रुपए एज लिमिट अठारह से चालीस वर्ष लेकिन एस सी एस टी ओबीसी को एज रिलेक्शन दी जाती है यहां पर भी आपको दी जाएगी तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेस ऑफ एकेडमिक स्कोर एंड रिटर्न एग्जाम तो आपका रिटर्न एग्जाम भी होगा स्किल टेस्ट भी होगा जैसे मैंने ऊपर बताया था जैसे स्टेनो की पोस्ट के लिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो अ डिक्टेशन एंड टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर स्किल टेस्ट ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं द एकेडमिक स्कोर एंड रिटर्न एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर फॉर एग्जाम द पोस्ट एन टू ये अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा तो अब आप देख सकते हैं एकेडमिक स्कोर कार्ड और रिटर्न एग्जाम पैटर्न फॉर द पोजिशन तो फार्म मैनेजर का एकेडमिक स्कोर कंपोजिशन कैसे रहेगी जीरो पॉइंट ट्वेंटी इन हाई स्कूल मार्क्स मार्क्स इन परसेंटेज तो जितने भी आपके हाई स्कूल में मार्क्स होंगे परसेंटेज होंगे उसका पॉइंट ट्वेंटी इसी तरह से फिर प्लस कर दिया जाएगा पॉइंट ट्वेंटी इन इंटरमीडिएट मार्क्स तो मैक्सिमम इस तरह से आपके होंगे पैसठ मार्क्स और उसके बाद आप टू पॉइंट टू भी पढ़ लीजिए टू इन टू नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट तो जितना भी आपका एक्सपीरियंस होगा उसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और मैक्सिमम टेन मार्क्स दिए जाएंगे इसी तरह से स्पोर्ट्स एनएसएस के मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम पांच तो ये हो गए आपके अस्सी और उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा दो का तो टोटल हो जाएंगे 300 मार्क्स का आपका एग्जाम रिटर्न एग्जाम में क्या होगा तो रिटर्न एग्जाम में आपको सब्जेक्ट मैटर पर 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस भी पोस्ट के लिए हैं जैसे ड्राइवर के हैं तो ड्राइवर से रिलेटेड स्टेनो के हैं तो स्टेनो से रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड इसी तरह से फार्म मैनेजर से रिलेटेड उसके बाद जनरल नॉलेज और रीजनिंग और लैंग्वेज के तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे सौ दस मार्क्स का एक हो जाएगा तो इस हिसाब से दो हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग हाफ मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे इसी तरह से आप प्रोग्राम असिस्टेंट का भी देख लीजिए अकेडमिक स्कोर कॉम्पोजिशन एट्टी मार्क्स और टू मार्क्स के आपका रिटर्न एग्जाम होगा इसी तरह से फिर है प्रोग्राम असिस्टेंट या फिर लैब टेक्नीशियन इनका 80 मार्क्स प्लस 220 इन्हें भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है यहां पर भी असिस्टेंट के लिए भी सेम है 80 प्लस 220 स्टैनो स्टेनो के लिए है 60 प्लस 240 300 चालीस तीन यहां थोड़ा चेंज है आप एक बार देख लेना मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है उसके बाद है ड्राइवर की पोस्ट यहां पर भी 60 प्लस 240 तो 300 मार्क्स का होगा बिल्कुल सेम है स्टेनो प्लस ड्राइवर के लिए भी अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम के सिलेबस की फार्म मैनेजर या फिर सहायक के लिए इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाएगा ज्योग्राफी पूछी जाएगी इंडियन इकोनॉमी पूछी जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी साइंस एलिमेंट्री अर्थमेटिक लॉजिकल रीजनिंग करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस उसके बाद है एलिमेंट्री हिंदी इंग्लिश उसके बाद है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए इंडियन हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट ज्योग्राफी सेम है सिलेबस आप एक बार पूरा देख लेना उसके बाद है ड्राइवर की पोस्ट के लिए एलिमेंट्री अर्थमेटिक जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स एलिमेंट्री हिंदी इंडियन हिस्ट्री अब आपको अप्लाई कैसे करना है जैसे कि मैंने आपको बताया एस वीपी मेरठ डॉट ए सी डॉट इन पर जाकर वहां पर दिए गए रिक्रूटमेंट लिंक पर आपको क्लिक करना है तो मैंने आपको सभी प्रकार की डिटेल्स बता दी है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में ये वैकेंसीज निकली है 31 अगस्त को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था 30 सितंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की अगर आपके पास सभी प्रकार की क्वालिफिकेशन है तो आप इन पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें सैलरी काफी अच्छी है एक बार फिर से आप ये सारी पोस्ट देख लीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल पर देश के हर राज्य यूनियन टेरिटरी की जो वैकेंसी की डिटेल है आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है